आज हम बात करने जा रहे हैं कि थर्ड सी सेक्शन में क्या क्या हो सकता है क्या थर्ड सी सेक्शन की वजह से किसी की जान भी जा सकती है मेरे केस में डॉक्टर ने क्या बोला जब मेरी थर्ड सी सेक्शन डिलीवरी का टाइम आया तो डॉक्टर ने साफ बोल दिया मेरे हस्बैंड से कि शायद मैं इस बार इनको ना बचा पाऊँ ऐसा क्यों बोला डॉक्टर ने क्या वजह ऐसी थी कि डॉक्टर को ये बोलना पड़ा कि मैं शायद इनकी जान ना बचा पाऊँ बच्चे को भी बोला गया कि बच्चे के जो गले में फंदा पड़ा हुआ था तो कितने फंदे पड़े थे क्या वजह ऐसी थी क्यों लास्ट मोमेंट में मुझे वन यूनिट ब्लड मंगाना पड़ा मेरे लिए हस्बैंड से बोल के कि डॉक्टर ने तुरंत बोला कि एक यूनिट ब्लड की ज़रूरत है इनके लिए क्यों ऐसा डॉक्टर ने बोला कि शायद इनकी यूट्रस भी निकालना पड़े आज हम इस वीडियो में अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करेंगे और एक एक बात एक एक चीज आपके सामने स्पष्ट बताएंगे कि क्या ऐसी वजह थी कि डॉक्टर को ऐसा बोलना पड़ा नमस्कार मैं हूं ज्योति आप देख रहे हैं मेजकल मॉम्स डायरी अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपके आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे इस चैनल में आपको प्रेगनेंसी से संबंधित बेबी केयर संबंधित वीडियो मिलेंगे और इसमें मैं ज्यादा से ज्यादा अपने एक्सपीरियंस को शेयर करती हूँ और डॉक्टर के द्वारा बताई हुई चीजों को शेयर करती हूँ जिससे कि काफी लोगों को हेल्प भी मिली है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं जैसे कि मैंने बताया कि मुझे थर्ड सी सेक्शन में डॉक्टर ने बोला कि शायद मैं इस बार इनको न बचाऊ क्या वजह थी इसी? तो मैं शुरू से स्टार्ट करती हूँ कि मेरी फर्स्ट सी सेक्शन कैसे हुई मेरी फर्स्ट सी सेक्शन की जर्नी ये थी कि जब मेरा फर्स्ट सी सेक्शन हुआ तो उसके रात में मुझे हुआ डिलीवरी वाला और मुझे मेरे हस्बैंड ने रात को एक बजे एडमिट कराया मॉर्निंग तक तो सब कुछ ठीक था और थोड़ा सा यूटरस का जो बच्चे दाने का मुँह होता वो भी खुल गया था डॉक्टर ने बोला कि हाँ नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है फिर जब कैस्ट्रोल ऑयल पिलाते हैं ना जब वो लिक्विड सा पिलाते हैं उसके पीने के बाद में मुझे लूज मोशन हुए मतलब मैं लेटरिन जैसे कि बार बार जाते हैं और उसके बाद में एक पेट में अजीब सी हलचल होने लगी उसके बाद में मुझे लगा मुझे पेन नहीं महसूस हुआ कुछ भी नहीं महसूस हुआ क्योंकि मुझे हमेशा पेन बना ही रहता था तो मैं सोचती थी, थी कि अब मैं दो बार एडमिट हो चुकी थी और मैं अब घर नहीं जाना चाहती क्योंकि मेरे साथ क्या होता है कि जब मेरे सेवन मंथ लग जाते हैं तो मुझे डिलीवरी वाले पेन स्टार्ट हो जाते हैं और जिसे डॉक्टर को रोकना पड़ता है फर्स्ट डिलीवरी में मेरे साथ भी यही हुआ और सेवन मंथ में मुझे डिलीवरी वाले पेन स्टार्ट हो गए जिसकी वजह से डॉक्टर को मुझे दो बार एडमिट करना पड़ा और रोकना पड़ा डिलीवरी नाइन्थ मंथ अगर छू जाए तभी अच्छा होता है उसके पहले डिलीवरी अच्छी नहीं होती है सबसे अच्छी बात ये थी कि जब मेरे पेन होता था तो मुझे सूखा दर्द होता था कोई भी उसमें वाटर लीकेज नहीं होती थी जिसकी वजह से डॉक्टर उस पेन को रोक लेते थे यानी कि मेरी डिलीवरी को वो रोक लेते थे उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि मैं घर नहीं जाना चाहती थी मैं सोच रही थी कि मेरी अब डिलीवरी हो जाए बार बार दो बार एडमिट हो चुकी हूँ अब मैं नहीं जाना चाहती तो डॉक्टर राउंड में आए और उन्होंने चेक किया जो मेरी लेडीज़ डॉक्टर हैं वो उन्होंने चेक किया तो मैंने बोला हाँ जो जो उन्होंने पूछा मैंने बोला हाँ हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है तो उन्होंने चेक किया जो जानते हैं कि जब लास्ट मोमेंट मेरे डॉक्टर हाथ डाल के ही चेक करते हैं आपके वजाइना में तो उन्होंने चेक किया तो जब उन्होंने चेक किया तो जो बच्चे ने पहले तो उन्होंने दिखाया कि टॉयलेट हो गई फिर बाद में फिर उन्होंने बोला कि बच्चे ने पोटी भी कर दी है और ब्लैक कलर की पोटी गंदी गंदी जो ब्लैक ब्लैक कलर की होती है हल्की सी पीली और पूरी ब्लैक ब्लैक पोटी थी वो ब्लैक और येल्लो कलर की तो वो पूरे बेड में से उन्होंने पहले तो यूट्रेस से पूरा साफ किया जिल्ली को मतलब कहते हैं ना चिल्ली में थोड़ी सी पिन करके फाड़ते हैं उसके बाद उन्होंने साफ किया कि वो गंदा जो चीज है मल जो मुंह तो होता है वो बच्चे के मुंह में ना जा सके जिससे हम दोनों की जान को खतरा हो सकता था उन्होंने टाइम नहीं देखा फटाफट उन्होंने सफाई की उसके पांच मिनट नहीं लगे हस्बैंड से बोले कि इनको ऑपरेट करना पड़ेगा नहीं तो माँ और बच्चों दोनों को नहीं बचा सकते ये थी मेरी फर्स्ट सी सेक्शन डिलीवरी की उसके बाद मेरी सेकंड डिलीवरी हुई सेकंड डिलीवरी में मेरे पांच साल का गैप था सेकेंड डिलीवरी जल्दी नहीं हो रही थी उसके लिए मुझे दवा लेनी पड़ी थी फिर सेकेंड डिलीवरी हुई थर्ड डिलीवरी में ऐसा हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला मेरे पीरियड हैं वो रेगुलर चलते रहे और बेबी थ्री मंथ्स का बेबी मेरे टमी में था मुझे पता ही नहीं चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ मैं सारे काम करती थी सारी चीज़ें करती थी पर मुझे ये नहीं पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ उसके बाद जब थ्री मंथ्स हो गए बेबी में हार्ट बीट आ गई मुझे एक दिन ऐसा पेन हुआ मैं डॉक्टर के साथ चेकअप कराने गई तो डॉक्टर ने बोला कि अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो पता चला कि बेबी है वो भी थ्री मंथ्स का हो चुका है उसमें हार्ट बीट आ गई है अब बताइए मैं क्या करती हूँ डॉक्टर ने बोला आपको रखना है कि हटाना तो मैंने बोला नहीं अब ठीक है मुझे रखना ही है क्योंकि अब बेबी में हार्ट बीट आ गई अब मैं ये करूंगी तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा तो मैंने ऐसा नहीं किया एक्चुअली हुआ क्या जब मेरी सेकेंड बेबी हुई तो मैंने डॉक्टर से बोला था कि जो बंद वाला होता ऑपरेशन की वो वाला कर दीजिए तो उन्होंने नहीं किया क्योंकि ज़्यादातर जो डॉक्टर होते हैं वो दो सी सेक्शन डिलीवरी में नहीं करते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि बाई चांस कहीं आपका जो बेबी है वो आगे तक सफ़र कर पाए कि ना कर पाए तो एक चांस जरूर देते हैं जिससे कि आप थर्ड बेबी कर सकते हैं मेरा नहीं हुआ इसकी वजह से मुझे फिर वो जो प्रेगनेंसी उसको रेगुलर प्रिपेयर करनी पड़ी रखनी पड़ी और इस थर्ड जो बेबी है जब मुझे पता चला उसके बाद में मेरी ये हालत खराब हो गई थी कि मैं क्या बताऊँ मैं बिस्तर से नहीं उठ पा रही थी मैं कुछ भी नहीं खा पा रही थी मुझे इतनी वॉमिटिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी उसके बाद मैं फिर दो तीन बार हॉस्पिटल में एडमिट हुई क्योंकि जब मैं मे, मेरे मैंने जैसे बताया कि मेरे सेवन मंथ से ही जो डिलीवरी वाले पेन शुरू हो जाते हैं वैसे ही सूखे कोई भी पानी वाटर लीकेज नहीं होता है तो जिसकी वजह से डॉक्टर को फिर मुझे एडमिट करना पड़ा और दोबारा ऐसे हुआ कि मैं मे, मे, की एडमिट हुई थी सुबह और नेक्स्ट डे सुबह मेरे दोनों हाथों में बीगो चल रहे तो पूरा वन डे मेरे दोनों हाथों में बीगो चलता रहा मतलब दोनों हाथों में दवा चलती रही फिर मैं डिस्चार्ज होकर घर आई मुश्किल से पंद्रह दिन कटे होंगे डॉक्टर ने बोला आपको कम से कम एक महीना या बीस दिन तो घसीटना ही घसीटना है नहीं तो आपकी जो बेबी है वो प्री होगा जिस उसका वेट भी बहुत कम था तो मैंने घसीटने की कोशिश की पर पेन है कि वो रेगुलर हो रहा था और ज़्यादा टाइम दर्द होना भी सही नहीं होता है बच्चे के लिए फिर मुझे एडमिट होना पड़ा और मेरा थर्ड सी सेक्शन की तैयारी होने लगी जैसे ही मैं हॉस्पिटल एडमिट होने गई और डॉक्टर को बोला कि मेरे दर्द बहुत हो रहा है उन्होंने चेक किया तो उन्होंने सबसे पहले तो अपनी बात बता दी कि शायद मैं इस बार इनको नहीं बचा सकती हूँ शायद मैं इन आ, ऐसा हो कि इनका यूट्रेस भी बाहर निकालना पड़े क्योंकि जो मेरी बच्चे की वो जो वो कहते गर्भ नाल होता है ना जो जो नाभि फंसी होती है ना बोलते हैं नाड़ी वो काफ़ी उसमें फंसी हुई थी और जो प्लेजेंटा था वो भी कुछ उसमें प्रॉब्लम थी वजह से डॉक्टर को बोल डॉक्टर ने बोला मैं इनको शायद नहीं बचा सकूं और हर बार जो होता है जरूरी नहीं कि हर बार वो सक्सेस हो जाए पर कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़े होते हैं तो उन्होंने पहले बोला कि देखिए आप कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड करा के आइए फिर मैंने डॉपलर अल्ट्रासाउंड करा के आए, आए उसमें सारी चीजें उनको दिखी उन्होंने समझा फिर उस हिसाब से उन्होंने बोला कि क्या किया जाए तो हम लोगों ने बोला कि नहीं आप कर दीजिए सी सेक्शन और मैं बस ओम नमो भगवते कवा शुदेव का नाम का जाप करते हुए ऑपरेशन थिएटर चले कि हस्बैंड थोड़े से मेरे बहुत ज़्यादा आ, परेशान थे उनको बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी पर मैंने बोला कोई टेंशन की बात नहीं है माता रानी रक्षा करेंगे और एक यूनिट ब्लड भी मंगाया और मुझे बहुत प्यारी सी एक बेटी हुई तो मेरी दो बेटियाँ हैं एक बेटा है उसके बाद में मैं दो नेक्स्ट डे मैं चल उठने बैठने लगी थी मैं बहुत जल्दी मूवमेंट करती हूँ और सक्सेसफुल डिलीवरी हो गई मेरी इस तरह से थर्ड सी सेक्शन डिलीवरी हो गई और मुझे क्यूट से बेबी हुई है और माता रानी के दया से मेरी बेबी भी स्वस्थ हुई है और आपके पहले दो डिलीवरी सी से सेक्शन हुई है तो आप बहुत ज़्यादा केयरफुल ही रहें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें वेट वगैरह ना उठाएँ और हमेशा डॉक्टर से संपर्क में रहें अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है डिलीवरी पेन हो रहा है तो आपको लापरवाही नहीं करनी आपको अपने डॉक्टर के पास तुरंत जाना है चेकअप मैंने अपनी सारी बात आपके साथ शेयर करी है आपको कोई भी पूछ बात पूछनी है आपको कोई भी डाउट है मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं थोड़ी सी बैकग्राउंड वॉइस आएगी मेरे बच्चे हैं जो कि छोटी वाली वो रो रही है तो उसके लिए सॉरी और आप प्लीज़ अगर अपना ध्यान रखें अपना केयर करें और बराबर अपने डॉक्टर से संपर्क में रहें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय माता की